स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्स ब्रैकेट में 2x + 5 इज इक्वल्स टू 25। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² + 5x = 25। अब 25 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारी, 2x² + 5x - 25। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म्स करते हैं। तो 25 × 5 = 50, यानी कि 50 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे हमें 5 मिले। तो 10 × 5 = 50 और 10 − 5 = 5 आएगा हमारा। तो हमें फैक्टर्स मिल जाए 10 और 5, तो लिख लेते हैं 2x² + 10x - 5x - 25 = 0। ब्रैकेट खोलेंगे, 2x² + 10x - 5x - 25 = 0। यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x, अंदर क्या बचा x + 5, इन दोनों में से क्या कॉमन है -5, तो x + 5 = 0। फैक्टर्स क्या आ गए, x + 5 and 2x - 5 = 0। एक बार इसको कंपेयर करेंगे 0 से, एक बार इसको, तो x की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, x = −5 and 5/2, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, x + 3 × x - 3 = 40। तो इस को देखेंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी है, a + b और a - b, जो कि क्या होता है a² - d², तो ये क्या हो जाएगा, x² - 3 का² 9 = 40। अब 9 को हम लोग उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x² = 40 + 9। x² हमारा आ गया 49। तो x² हटेगा यहाँ से, स्क्वायर रूट लगेगा इधर, क्या आ गया, √49। तो x की दो वैल्यूज आई +-7, ये हमारा आंसर।